हमारी जिंदगी एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना। इसलिए घबराए नहीं, बस पन्ने पलटते रहें और अपनी जिंदगी का मजा लेते रहें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मंजू धनालिया और मेरे चैनल का नाम है राधिका ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप ऊपर वाले की कृपा से मस्त और स्वस्थ होंगे आप। तो गाइस, आज मुझे डिनर में बनानी थी खीर और कचौरी, जो मेरी फैमिली में खीर और कचौरी का कॉम्बिनेशन बहुत ही पसंद करते हैं, सभी लोग बहुत मन से खाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो गाइस, मैंने थोड़े से राइस लिए थे, राइस पहले इसको भिगोया, भिगोने के बाद मैंने उसको मिक्सी में हल्का सा दरदरा किया और फिर उसके बाद मैंने जो दूध रखा था बॉईल होने के लिए, दूध में वो राइस डाल दिए। तो वो धीमी धीमी आँच पे कंटिन्यू पकते रहे। थोड़ी देर पकने के बाद फिर मैंने जो केसर भिगोया हुआ था वो केसर भी उसमें ऐड कर दिया। तो देखिए, यहाँ पे इससे खीर का रंग बिल्कुल चेंज हो जाएगा केसर डालने से और टेस्ट भी दुगना हो जाएगा। और गाइस, अभी मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं की, शुगर मैं इसमें बाद में ऐड करूँगी जब पूरी पक जाएगी। बस जब थोड़ी बहुत कसर रहेगा इसमें, उसके बाद में इसमें शुगर ऐड करूँगी। तो खीर तो हमारी धीमी धीमी आंच पर पकती रहेगी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी गाइस। तो इतने हम बनाते हैं, अपनी पिट्ठी की तैयारी कर लेते हैं, जो हमें कचौरी के लिए आलू की पिट्ठी बनानी है। तो मैंने पटेटो लिए, उनको अच्छे से वॉश करके बॉईल किया, बॉईल करने के बाद छिलका उतार लिया और उसको अच्छे से मैश कर लिया। मैश करने के बाद ये देखिए, मैंने इसमें पिट्ठी बनाने के लिए ग्रीन चिली ली है, कोरिएंडर लीफ लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है जो अच्छे से कूटा है मैंने उसमें। और फिर तो चलिए गाइस, बनाते हैं पिट्ठी। तो ये सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड की, हरी मिर्च, हरा धनिया, अदरक, लहसुन, उसके बाद सारे बेसिक मसाले जैसे कि नमक, मिर्च, गरम मसाला, जीरा, ये सब चीज़ें डाली। और अब आप लोग देखना मैं पिट्ठी में और दो चीज़ क्या ऐड करती हूँ जिससे मेरी कचौरी इतनी टेस्टी बनती है, क्रंची बनती हैं और बहुत, और सब लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो चलिए गाइस, तो गाइस हमने पटाटो की पिट्ठी को अच्छे से मैश कर लिया है। तो देखिए अब मैं क्या चीज़ें इसमें ऐड करती हूँ। यह है कढ़ी पत्ता, जो हमारे घर की छत पर लगा हुआ है कढ़ी पत्ता, तो उससे कचौरी में जो पिट्ठी बनाते हैं उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। गाइस मैंने उसको अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे उसमें कट करके तब उसमें मैश किया है। और कढ़ी पत्ता डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी ये कसूरी मेथी, सूखी कसूरी मेथी और हींग। तो देखिए इससे कचौरी का जो टेस्ट होगा ना वो दुगना हो जाएगा गाइस। आप लोग ट्राई करना एक बार कड़ी पत्ता और कसूरी मेथी डालकर। अब इनको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारी खीर भी बन चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, देखने में भी खीर कितनी टेस्टी लग रही है। तो अच्छे से मिक्स करके बनाने शुरू करते हैं हम अपनी आलू की कचौरियाँ। फाइनली गाइस, खीर और कचौरी बिल्कुल रेडी है और सब लोग वेट कर रहे हैं गर्मा गर्म खीर और कचौरी खाने का। तो आइए आप लोग भी आइए और खाइए गर्मा गर्म खीर और कचौरी। तो चलिए, आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा। अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे एक और